हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों, हमने पहले वाली वीडियो में जिक्र किया था टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर 7 टाइप ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इवैल्यूएशन से किस तरह के क्वेश्चन अभी तक आए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें आज तक बहुत क्वेश्चन आए हैं, वही मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप पूरा देखना। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, सितंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 44 इन्होंने दिया हुआ है। इसमें देखिए इन्होंने क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम असेस द लर्निंग प्रोसेस टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फीडबैक टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स। देखिए इन्होंने कहा है कि जो टीचर और स्टूडेंट में लगातार फीडबैक देता रहे तो उसे हम क्या कहेंगे। और देखिए दोस्तों, हमने इन सभी के बारे में पढ़ा था पिछली जो वीडियो थी, इसके अंदर मैंने बताया था कि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, डायग्नोस्टिक क्या होता है और समेटिव क्या होता है। और हमने उसके अंदर पढ़ा था कि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है कि हम समय समय पर इवैल्यूएशन करते हैं बच्चे का, समय समय पर टेस्ट वगैरह लेते हैं, कंटिन्यूस लेते रहते हैं, जैसे कि हर महीने में या हर वीक में इस तरह से कंटिन्यूस उसका टेस्ट वगैरह लेते रहते हैं, तो उसे हमें पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक क्या सीखा है और कितना उसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो देखी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो देखोगे तभी ये वीडियो आपके काम आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये देखिए दोस्तों, जून 2014 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 54, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर भी वही बात कह रहा है जो हमने पीछे पढ़ी है। इसमें देखिए, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ इवैल्यूएशन दैट असेस द लर्निंग प्रोसेस टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फीडबैक, यानी कि जो लगातार निरंतर फीडबैक देता है उसे हम क्या कहते हैं, किस तरह का वो मूल्यांकन होता है। तो इसमें आप देखिए, इसमें फिर वही ऑप्शन दिए हुए हैं, प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव और सुमेटिव। तो इसमें आंसर क्या आएगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आएगा। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और एक चीज़ और देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने हिंदी के अंदर इसे रचनात्मक कहा है और पहला जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर इन्होंने निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा था, यानी कि हिंदी के अंदर ये एक ही शब्द को दो दो शब्दों से लिख रहे हैं, अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इंग्लिश में पता होना चाहिए कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, सुमेटिव क्या होता है, डायग्नोस्टिक क्या होता है और प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या होता है। तो हमारे लिए इंग्लिश में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से रिपीट हुआ है। अब ये देखिए दोस्तों, दिसंबर 2014 का क्वेश्चन पेपर है ये और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 52, ये देखिए इन्होंने नैदानिक मूल्यांकन के बारे में पूछा हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नैदानिक मूल्यांकन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तभी हम इसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। अब ये देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो नैदानिक मूल्यांकन है उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहते हैं। तो अब इसमें हमें बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर क्या पढ़ा था कि हम इसमें बच्चे की कमियों के बारे में देखते हैं और उसमें क्या अच्छाई है, इन दोनों चीज़ों को देखते हैं और उसे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और यही बात इन्होंने क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है, काज एंड रेमेडीज़ ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस, यानी कि उसे क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह की दिक्कत आ रही है, उनका हम समाधान करने के लिए करते हैं। अब ये देखिए, हिंदी में भी इन्होंने यही बात की है, अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान, यानी कि बच्चे को लर्निंग के दौरान क्या प्रॉब्लम आ रही है उसका कारण जानना और उसका निदान करना इसके अंदर किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से आप बड़े आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। और अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से रिपीट हुआ है। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जून 2015 का क्वेश्चन पेपर है,
निम्नलिखित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है? तो इसके अंदर सीधा सा आंसर आएगा दोस्तों इसका, तो मूल्यांकन करना यानी कि इवेल्युएशन करना। अब देखिए इंग्लिश में देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों इवेल्युएटिंग। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम किस तरह से रिपीट हुआ है। अब ये देखिए दिसंबर 2015 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें इन्होंने पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता क्या है? अब ये देखिए इसके अंदर हम इंग्लिश के अंदर देखते हैं कि इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं। और देखिए ये इंग्लिश में हमने पढ़ा था कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को क्या कहते हैं, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसकी विशेषताएँ क्या होती है वो हम देखते हैं, पहले हिंदी में देख लेते हैं फिर इंग्लिश में देखेंगे। अब ये देखिए दोस्तों CCE जो होता है वो सबसे पहले तो किसने अपनाया था, CBSE ने अपनाया था, CBSE ने अपनाया था, ये मैंने आपको बताया था। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हम जो बच्चे के ऊपर स्ट्रेस है, जो तनाव है, उसे दूर करने की कोशिश की जाती है। और इसमें उन्होंने जो प्राप्त अंक यानी कि जो अंक प्राप्त किए उसे ग्रेड में प्रतिस्थापित किया जाता है। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो जो नोट्स है उसके अंदर भी मैंने ये सभी बातें लिखी हुई है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यह प्राप्त अंकों को ग्रेड से प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, सी, यह छात्र के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है। ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि CCE के अंदर हम बच्चे के सभी पहलुओं की जांच करते हैं, उसे क्या आता है क्या नहीं आता है, किस एनवायरनमेंट में रहता है, इस तरह से हम उसके सभी पहलुओं की जांच करते हैं और देखते हैं कि उसे किस तरह की क्या प्रॉब्लम आ रही है। और अब देखिए ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने यह परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करता है, यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि बच्चे का जो तनाव है उसे दूर करने की कोशिश की जाती है इसके अंदर। अब देखिए ये हम इंग्लिश के अंदर देख लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, इट रिप्लेस मार्क्स विद ग्रेड्स। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला है इट इवेल्युएट एवरेज एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट, यानी कि ये हर पहलू को जांचता है। अगला है डी, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोविया। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि स्ट्रेस को कम करने के लिए ये किया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और हमारी वीडियो आपके काफ़ी काम आ रही होगी। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से रिपीट हुआ है ये। अब ये देखिए दोस्तों अगस्त 2016 का क्वेश्चन पेपर है ये, और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, ये देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है। इसके अंदर इन्होंने रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में पूछा, उसके उद्देश्य क्या क्या है। तो सबसे पहले वही बात आती है कि हमें पता होना चाहिए कि रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं, और इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। तो इसमें हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। कई चीज़ें ऐसी होती है आपको पता है जो हमें इंग्लिश में जल्दी से समझ में आ जाती है। अब ये देखिए दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन है, इन्होंने फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का पर्पज़ पूछा हुआ है, तो अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा आंसर ठीक होगा। अब ये देखिए इन्होंने ऑप्शन नंबर 2 जो दिया है, इन्होंने कहा है कि एक्सेलरेट स्टूडेंट्स लर्निंग परफॉर्मेंस। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। अब देखिए हम थोड़ा सा इसके ऊपर विचार करते हैं और जो आंसर है इसके। अब ये देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन नंबर ए है, इन्होंने कहा है कि ग्रेड स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, यानी कि ये कहता है कि ऑप्शन ए वही, इसमें ग्रेड दी जाती है। तो अभी हमने पढ़ा था कि ग्रेड किसके अंदर दी जाती है, वो दी जाती है CCE के अंदर दी जाती है और फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के अंदर नहीं दी जाती। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं, दो एक बार छोड़ देते हैं, तीसरा देखते हैं, चेक स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ग्राफ। दोस्तों इसमें कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि हम स्टूडेंट का ग्राफ चेक करेंगे। अब देखिए ऑप्शन नंबर 4 आता है, प्रोवाइड फीडबैक टू टीचर इफेक्टिवनेस। तो इसके बारे में भी हमने उसके अंदर नहीं पढ़ा था, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए हम इसे हिंदी में देख लेते हैं ताकि आपको हिंदी में भी समझ में आ जाए। अब ये देखिए इसमें कहा है कि छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना, यानी कि
छात्र किस तरह से पढ़ने सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके अंदर उनमें इम्प्रूवमेंट लेके आना कंटिन्यूस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से आया है ये। अब ये देखिए दोस्तों, जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है ये, और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 इन्होंने दिया है, और इसमें इन्होंने निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के बारे में पूछा हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन ठीक होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए के बारे में। तो इसने कहा है कि शिक्षक पाठ्यक्रम का कार्य पूरा करने के बाद छात्रों को ग्रेड देता है। अब ये देखिए, इसने कहा है कि पाठ्यक्रम का कार्य पूरा करने के बाद, तो दोस्तों हमें पता है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंदर हम क्या करते हैं कि कंटिन्यूस बीच बीच में हम फीडबैक वगैरह देते रहते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं स्टूडेंट्स का, उन्होंने क्या सीखा क्या नहीं किया है। और कार्य पूरा होने के बाद हम किस तरह का इवेल्युएशन करते हैं, सुमेटिव इवेल्युएशन करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ये नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। अब ये देखिए, ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसके अंदर हम क्लास के अंदर भी हम बच्चों को बताते हैं कि उन्होंने क्या किया है और उनमें सुधार में कहाँ आवश्यकता है, तो इस तरह से हम प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक भी देते रहते हैं साथ के साथ। अगला है हमारा सी। सी में देखिए, सी में कहा है शिक्षक इकाई परीक्षण में छात्रों को अंक देता है। तो दोस्तों ऐसा भी हमने कहीं पे नहीं पढ़ा था कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के अंदर अंक वगैरह दिए जाते हैं, तो ये बात भी इसकी गलत हो जाएगी। और फिर आता है दोस्तों डी, शिक्षक कक्षा में ही छात्रों के संदेह को स्पष्ट करता है। तो दोस्तों ये बात भी सही है। इसके अंदर देखिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने टेस्ट लिया, वीकली टेस्ट लिया, तो दोस्तों उस समय हम क्या करते हैं, जैसे कि वीकली टेस्ट होता है हमारा, तो टेस्ट लेके आते हैं और क्लास में एक एक बच्चे को खड़ा करके बताते हैं कि तुम्हारे नंबर इतने हैं और तुम्हें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, यानी कि उसकी कमियों को बताते हैं। और उस दौरान किसी भी तरह का कोई संदेह होता है बच्चे का, तो उसे हम क्लियर करते हैं। और ऐसा हमारा ईयरली एग्ज़ाम के अंदर नहीं होता, उस दौरान तो हम उसका बिल्कुल रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, छात्रों के समग्र निष्पादन के बारे में प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर अभिभावकों को रिपोर्ट किया जाता है। दोस्तों इन्होंने कहा है कि प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर अभिभावकों को रिपोर्ट किया जाता है। दोस्तों ये बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन बिल्कुल सही नहीं है। हम इसमें ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है कि हाँ हम 3 महीने बाद करेंगे ही करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम हर चौथे महीने भी कर सकते हैं, हर महीने भी कर सकते हैं, हर तीसरे महीने कर सकते हैं और छठे महीने भी कर सकते हैं। ये हमारे लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम हर 3 महीने में ही करेंगे, तो ये बात हम पूरी तरह से ठीक नहीं कह सकते। अब आता है हमारा एफ, शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता को अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। तो ये बात भी वही आ रही है, यानी कि कंटिन्यूस करते हैं हम, क्लास में भी क्वेश्चन आंसर वगैरह करते हैं, तो उस दौरान भी उनको हम अभिप्रेरणा में वृद्धि करते हैं, यानी कि उनके सीखने के की इच्छा में वृद्धि करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, बी डी एफ। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इवेल्युएशन सिस्टम से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन अभी तक आए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक बात हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है उसे निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं और रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि किसको हम हिंदी में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो इन सभी का नोट्स मैंने पहले वाली वीडियो में भी दे रखा है, वहाँ से आप अच्छे से ये समझ सकते हैं, सारे के सारे जो टाइप है वो अच्छे से समझ सकते हैं। और इसका जो नोट्स है, पीडीएफ नोट्स है, वो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, वहाँ से भी आप ये ले सकते हैं। और इस नोट्स की कोई कॉस्ट नहीं है, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री में है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।